उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप लूटकांड में पुलिस ने इलाके के एक शातिर अपराधी को उठाया। दो दिन पहले पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मारकर 2 लाख की हुई थी लूट। पकड़े गए अपराधी पर लगता रहा रंगदारी मांगने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पट्टी कोतवाली पुलिस। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बनपुरवा गांव के पास पेट्रोल पंप पर 2 दिन पूर्व बदमाशों ने गोली मारकर सेल्समैन से 2 लाख से भरा थैला लेकर भाग निकले थे और सेल्समैन को गोली मार दी थी, जहां पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल्समैन का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और इस घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए संदिग्ध अपराधी को उठाया, कड़ाई से कर रहे हैं पूछताछ। वहीं पर पट्टी कोतवाल का कहना है कि जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। सेल्समैन की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रतापगढ़ से विजय पाठक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।